नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 के बारे में। दोस्तों, जो कि नया नोटिफिकेशन आया था, उसमें कहा गया था कि आपको जो कि फिजिकल होने वाला है, उसमें केवल 62,000 विद्यार्थियों को ही बुलाया जाएगा। तो क्या ये संभव हो सकता है? आपने कभी सोचा है कि ये संभव हो सकता है? नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। लगभग मेरे हिसाब से दोस्तों, यह संभव नहीं है। हाँ, वह 62,000 बोला है, तो 62,000 करके बुला सकते हैं, यानी कि फर्स्ट में 62,000 बुलाएंगे, दूसरे में बात मतलब जैसे 4-5 शिफ्टों में बुला सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने दोस्तों यह बहुत सारी खोज की, लगभग सभी जगह खोज की, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि 40,000 वैकेंसी हो और उसमें 60 या 62,000 क्या फिजिकल के लिए आए। क्योंकि फिजिकल के लिए जो कि दोस्तों लगभग 5 से 8 गुना ज़्यादा बुलाया जाता है, यानी कि यदि आपकी 40,000 वैकेंसी है तो लगभग 2 लाख विद्यार्थियों को फिजिकल देने का मौका मिलेगा। कितना? लगभग 2 लाख विद्यार्थियों को फिजिकल देने का मौका मिलेगा। दोस्तों यह दोस्तों 62,000 है। दोस्तों यह पहली बार में 62,000 बुलाए जाएंगे, उसके बाद सेकेंड या थर्ड बार में आसानी से यह बुलाए जाएंगे और जल्दी से जल्दी सभी लगभग 2 लाख विद्यार्थियों को फिजिकल देने का मौका मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यदि आप खुद सोच सकते हैं, यदि आप 62,000 टोटली फिजिकल देने जाएंगे, ठीक है, तो इनमें तो ऐसा होगा कि यदि आप 62,000 जाएंगे तो लगभग आधे से ज़्यादा जो रहते हैं वह फिजिकल नहीं निकाल पाते, वो बाहर हो जाते हैं। यदि दोस्तों इसमें से मान के चलो आधे ही फिजिकल नहीं निकाल पाए, तो ओनली 31,000 बच्चे हैं, ठीक है। 31,000 को यदि फिजिकल में क्वालिफाई किया दोस्तों, उसके बाद तो आधी सी वैकेंसी तो रह ही जाएंगी, क्योंकि 42,000 के समथिंग पोस्ट हैं और यदि 31,000 क्वालिफाई किया तो बाकी पोस्टों का क्या होगा। इसलिए यह आप मान के चलेगा कि यह 62,000 नहीं, लगभग 2 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा फिजिकल देने का मौका, ठीक है। तो दोस्तों यह न्यूज़ यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।